चक्रवात मिचौंग जो कि पश्चिम मध्य और दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी ऑफ दक्षिणी आंध्र कोस्ट और उत्तरी तमिलनाडु कोस्ट के पास में आज सुबह में सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म के रूप में परिवर्तित हुआ है और वो आने वाले समय में उत्तर की ओर बढ़ता हुआ समांतर जो कोस्ट है तमिलनाडु और दक्षिणी आंध्र कोस्ट उसके समांतर होता हुआ कल अपराह्न में फोरनून में वो टकराएगा मछलीपट्टनम और नेल्लोर के बीच में बापताला जगह के आसपास में उसका जो लैंडफॉल है होने की संभावना जताई जा रही है कल अपराह्न में एज ए सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म जिसका स्पीड 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे का होगा गस्टिंग टू 110 किलोमीटर पर आवर उसी स्पीड से वो टकराएगा। अब बात करते हैं कि इस सिस्टम पर झारखंड पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो झारखंड में इसके वजह से जो हवा है उसमें परिवर्तन देखने को मिल रहा है और अभी में 4 तारीख में जो हवा है वो आपकी पूर्वी भाग से आ रही है तो पूर्वी भाग से हवा आ रही है जिसके कारण से नमी वाली हवा के कारण से बादल भी बन रहे हैं। तो 4 तारीख में पूरे झारखंड में बादल छाए रहेंगे। कुछ इलाकों में दक्षिण भाग में हल्की छिटपुट बारिश हो सकती है बट ज्यादा चांसेस है कि बादल ही छाए रहेंगे। 5 तारीख में जो दक्षिणी भाग है उसके साथ साथ में जो सटे हुए मध्य भाग है झारखंड के वहां पे कुछ जगह पे हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिल सकती है और 6 और 7 में झारखंड पूरे राज्य में आपको कुछ कुछ जगह पे हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिल सकती है। तो 6 और 7 में थोड़ा सा हल्का इम्पैक्ट देखने को मिलेगा जिसमें आपको लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल झारखंड में देखने को मिलेगा और अभी से लेके 4 से लेके 8 तारीख तक जो है थोड़े बादल छाए रहेंगे जिसकी वजह से जो न्यूनतम तापमान है वो बढ़ा हुआ रहेगा। तो अभी अगले 24 घंटे में ही न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की और बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। अभी हाल के दिनों में भी झारखंड में थोड़े बादल छाए हुए थे पश्चिमी विक्षोभ के असर से वो छटे नहीं थे साथ साथ में अभी बंगाल की खाड़ी के सिस्टम के भी बादल आ रहे हैं। तो अभी 7-8 तारीख तक आपको बादल छाए रहेंगे जिसके कारण न्यूनतम तापमान थोड़ा सा बढ़ा रहेगा। जो अधिकतम तापमान है बादल की वजह से उसमें थोड़ी सी गिरावट देखने को मिलेगी और 8 तारीख के बाद से जो झारखंड में मौसम एक बार फिर से साफ हो जाएगा जब टेम्परेचर फिर से न्यूनतम तापमान का पारा आपको गिरेगा। सुबह में आपको थोड़ा सा धुंध भी देखने को मिलेगा आपको 9 तारीख की सुबह से। तो कुल मिला के ये है कि सिस्टम का आंशिक असर झारखंड में भी थोड़ा सा देखने को मिलेगा जिसके कारण से बादल आने शुरू हो गए हैं और 5, 6, 7 में थोड़ी झारखंड में बारिश हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी। चेतावनी की बात करें तो 7 तारीख को थोड़ी सी गर्जन वज्रपात की भी संभावना जताई जा रही है खासकर दक्षिणी और उससे सटे हुए मध्य भागों में। शेष भागों में कोई वैसी चेतावनी नहीं है बट क्योंकि ठंड का समय थोड़ा बारिश हो जाने से हल्के दिन में जो ठंड है वो थोड़ी सी बढ़ती हुई दिखती है तो लोगों से हम लोग ये अपेक्षा करेंगे कि थोड़ा सावधानी बरते। किसान भाइयों के लिए ये सलाह है कि अगर खरीफ के परिपक्व जो हो गए हैं धान तो आप उसको हटा ले सुरक्षित स्थान पर भंडारण कर ले और साथ में जो फल सब्जी ये सब जो पके हुए हैं उनको भी आप तोड़ के सुरक्षित भंडार में रख सकते हैं। तो कुल मिला के ये है कि थोड़ा सा हम लोग को सचेत रहना पड़ेगा और किसान भाइयों से है कि इस मौसम को देखते हुए अपनी कृषि की जो कार्रवाई है उस हिसाब से करें कोई भी वैसे छिड़काव नहीं करें। मौसम साफ होने के बाद आप कोई छिड़काव वैसे कर सकते हैं। धन्यवाद।